मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए पंच प्रणों पर आगे बढ़ते हुए विरासत पर स्वाभिमान करने वाला सशक्त व आत्मनिर्भर भारत दुनिया को नेतृत्व व सुरक्षा देते हुए लोक मंगल की भावना से विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा। हर नागरिक का दायित्व है कि वह क्रांतिकारियों के सपनों के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा दिलाए गए पंच प्रणों से कर खुद को तैयार करें। सीएम योगी सोमवार की शाम काकुरी बलिदान दिवस पर गोरखपुर में आयोजित देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित 750 ड्रोन की कलाबाजियों से अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। यह हर नागरिक के लिए गौरव का विषय है कि अपना देश 200 वर्षों तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर से अगले वर्ष 30 नवंबर तक विश्व के 20 प्रभावशाली व ताकतवर देशों के समूह G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। ये विश्व के वे 20 देश हैं जो दुनिया की 85% GDP, 75% व्यापार, 60% आबादी व 90% इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधिपत्य रखते हैं। काकुरी ट्रेन एक्शन के नायकों पंडित राम प्रसाद विस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद समेत सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता समर 1857 से लेकर 1947 में देश को आजादी मिलने तक उत्तर प्रदेश का कोई जिला या कस्बा ऐसा नहीं था जिसने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ना लिया हो। उत्तर प्रदेश क्रांति की हर गाथा का गवाह है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर उत्तर प्रदेश की धरती के लाल मंगल पांडे की हुंकार से बैरकपुर से प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में अमर बलिदानी बंधु सिंह ने उसी क्रांति की लौ को आगे बढ़ाया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से तो धन सिंह कोतवाल मेरठ से क्रांति के इस अभियान से जुड़े। 1922 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसानों, मजदूरों, नौजवानों व आम जनता ने चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोहरिया में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। काकुरी बलिदान दिवस पर काकुरी ट्रेन एक्शन का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत के खजाने को बाहर भेज रहे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों ने लखनऊ के काकुरी नामक स्थल पर इस क्रांति को अंजाम दिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पंडित राम प्रसाद विस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहड़ी जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। पंडित राम प्रसाद विस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया और 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। अशफाक, रोशन व लहड़ी जी को अयोध्या, प्रयागराज व गोंडा में फांसी दी गई। ब्रिटिश हुकूमत इतनी भयभीत थी कि उसने लहड़ी जी को 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया। पर इन बलिदानियों की क्रांति ज्वाला और तेजी से बढ़ती गई और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। उन्होंने कहा कि काकोरी में 46 रुपए का ही खजाना लूटा गया था, लेकिन क्रांतिकारियों को पकड़ने में ब्रिटिश सरकार ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्रांतिकारियों को मुकदमा पूरा सुने बिना ही फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं आए और उन्होंने स्वयं ही अपने बलिदान कथा लिखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार क्रांतिवीरों की प्रेरणा से कार्य कर रही है। पीएम मोदी के पंच प्रणों में से एक की हर भारतीय गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा और विरासत का सम्मान करेगा, इसी प्रेरणा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ का नव्य भव्य एवं दिव्य स्वरूप हो या फिर बलिदानियों से जुड़े स्थलों पर भव्य स्मारकों का निर्माण, यह विरासत के प्रति सम्मान का ही प्रतीक है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों की प्रेरणा को जीवंत बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद विस्मिल का भव्य स्मारक बनाया गया है। गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम अमर बलिदानी अशफाक उल्ला खां के नाम पर किया गया है। गोरखपुर में ही ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का नाम अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर रखा गया है। गोरखपुर के बड़हलगंज में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता के अमर सेनानी राजा हरि प्रसाद मल के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि क्रांतिकारियों और महान तपस्वी की धरा गोरखपुर में देश का सबसे
बड़ा व भव्य ड्रोन शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से संभव हुआ है। उनके नेतृत्व में हर मोर्चे पर प्रदेश की तेजी से हो रही प्रगति देख ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अपने यहाँ योगी जी जैसा नेता चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विश्व फलक पर स्थापित किया है। आज पूरा विश्व भारत को आशा भरी नजरों से देख रहा है। हाल के अपने विदेश दौरे का अनुभव साझा करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि जापान और कोरिया जैसे देश डबल इंजन सरकार की खूबियों से बेहद प्रभावित है और अपने यहाँ भी इसी तरह की सरकार की आवश्यकता महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से अपराधी थर थर कांपते हैं। सुरक्षा के माहौल में प्रदेश विकास के पथ पर त्रिविगति से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि यूपी के इतिहास में गुरु गोरक्षनाथ जी की धरती पर बलिदानियों की याद में यह अभूतपूर्व आयोजन सीएम योगी की प्रेरणादायी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हम सबको गलत इतिहास पढ़ाया गया, पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में अब सत्य का इतिहास सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश बिस्मिल, अशफाक और रोशन जैसे महान सेनानियों की माटी है। यूपी की धरती पर ऐसा भव्य ड्रोन शो कभी नहीं हुआ था। इसका साक्षी बनना गोरखपुर के लोगों का सौभाग्य है। सांसद ने भोजपुरी बोली में लोगों का जोश बढ़ाते हुए कहा, अभी तवांग में चीन के बढ़िया से कुटाई भइल, ई देखी के पाकिस्तान बिलबिलात बा। आभार ज्ञापन प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से आप सभी की जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वर्धन है। हम सबके मध्य लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक गायक श्री राकेश श्रीवास्तव जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति पर आधारित ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम वंदन करब, अभिनंदन करब महाराज जी कि आज ये धरोहर जो भारत की है वो बच्चे आज यहाँ पे गोरखपुर के हैं, बहुत सारे युवा हैं, कार्यकर्ता गण हैं, सबके लिए काकोरी बलिदान दिवस एक आज एक ऐतिहासिक रात होगी। ये शाम जो आप लोग यहां से लेके जाएंगे बहुत कुछ पूंजी कमा के जाओगे। आज वो देखिए थोड़ा देर में क्या हुई, हम ऐसे महाराज जी के धन्यवाद कहा महाराज जी कि क्या शानदार तरीका से सोचला ही बलिदान दिवस खातिर, इससे शानदार कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के इतिहास में गोरखपुर की धरती पर जो आज मंजर होगा कुछ समय बाद,
यह आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़कर जाएगा। आज इतना कुछ यहां से लेके जाओगे और समस्त भारत जो देख रहा है और देखेगा कुछ पल बाद, उत्तर प्रदेश देख रहा है, मेरी युवा पीढ़ी जो देख रही है, देखेगी कुछ समय में, इस गोरखपुर के गोरक्षनाथ बाबा की धरती पर आज एक इतिहास होने जा रहा है। बहुत कुछ लेके जाइबा हो। धन्यवाद महाराज जी, दिल से धन्यवाद आपके। पवित्र भूमि पर खड़े हुए हैं जिसने देश की आजादी के लिए और जिसने पूरे देश और प्रदेश को आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में नई दिशा और दशा देने का काम किया है। आज हम उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया, कुर्बान करने का काम किया, ऐसे महान सपूतों के याद में आज अभूतपूर्व रूप से ड्रोन शो आयोजित करने का काम कर रहे हैं और देश का ऐसा सबसे बड़ा ड्रोन शो आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसके लिए मैं अपनी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज पूरे प्रदेश और देश को आजादी के महान सपूतों की याद में एक ड्रोन शो करने का निर्णय लिया और वो भी गोरखपुर की इस महान धरती से निर्णय लिया, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए हमेशा पूरा भारत जिनके याद करता है, जिनके कुर्बानियों को याद करता है। साथियों, केवल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इतिहास को बदलने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आज वास्तविक इतिहास हमारी राष्ट्र देश की सरकार, प्रदेश की सरकार आपके सामने लाने का काम कर रही है। आज भारत आध्यात्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से तो निश्चित रूप से आगे बढ़ ही रहा है, उसका संदेश पूरे विश्व में एक महान ताकत के रूप में पुरानी विरासत के साथ, पुरानी भारत की पृष्ठभूमि के साथ जा रहा है। उसके साथ ही साथ हर मोर्चे पर भारत की विकास की यात्रा, भारत की रक्षा तैयारियों की बात करें या अन्य किसी भी क्षेत्रों में, आज भारत बहुत आगे बढ़ने का काम कर रहा है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर आज जिस तरीके से भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को, भारत के इतिहास को विश्व के लोग विश्व पटल पर जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग यात्रा करके लौटे हैं विभिन्न देशों की, कोरिया जापान की धरती पर हम लोगों को जाने का सौभाग्य सरकारी प्रतिनिधि मंडल के तौर पर जाने का मिला। वहां भी आज याद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नेता जब आते हैं तो जब वो लखनऊ की धरती को पधारते हैं तो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी एक योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की आवश्यकता है। आज हम जापान की धरती पर जाते हैं तो वहां कहते हैं कि हिंदुस्तान में डबल इंजन के सरकार के रूप में देश और प्रदेश की सरकार के आदरणीय मोदी जी और योगी जी की आवश्यकता जापान के लोगों को है। आज जापान के लोग हों, कोरिया के लोग हों, विभिन्न उन देशों के लोग हों, बल्कि मैं कह सकता हूं कि पूरा विश्व आज आशा भरी नजरों से हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे बलिदानियों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए जिन गोरों से आजादी लेने का काम किया, आज भारत का सौभाग्य है उन गोरों से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनने में कामयाब हुआ है। ये हिंदुस्तान की बड़ी उपलब्धि है। मैं इस उपलब्धि पर आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि डबल इंजन की इस सरकार में हम बहुत आगे जाएंगे। आदरणीय योगी जी के सानिध्य में, नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश उस हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन करके हिंदुस्तान को हर क्षेत्र में, हिंदुस्तान के हर राज्य से सबसे प्रथम राज्य बनने का सपना पूरा करेगा। और मैं समझता हूं ये सौभाग्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश का होगा बल्कि खासकर इस तपोभूमि का, बलिदानियों की भूमि का, गोरखपुर का है जिन्होंने ऐसे महान संत को, आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दिया है। आज हम धन्य हैं, आभारी हैं आप सब लोगों के जिनके बीच से उभर करके, जिनके बीच से निकल करके आदरणीय महाराज जी जैसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को दिया है, जिसको आज पूरा राष्ट्र नहीं पूरे विश्व में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है और थर थर कांपते हैं वो आतंकवादी, वो अपराधी, वो जमीनों पे कब्जे करने वाले माफिया थर थर कांपते हैं। उनकी जगह या तो जेल के छींकचों के अंदर या ऊपर बनाने का काम किसी ने किया है, तो उनका नाम है आदरणीय महाराज
योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं और सम्मानित मंच को एक बार बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अपनी ओर से इस आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का अपनी बात को विराम देता हूं। आप सब लोगों को नमन और प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर कुछ ही देर में होने वाले भव्य ड्रोन शो के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त नौजवान भाइयों बहनों, आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अशफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रखकर के फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भयभीत थी कि राजेंद्रनाथ लाड़ी को जो 19 दिसंबर की तिथि तय हुई थी फांसी देने की, उससे दो दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को उन्होंने जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पे लटकाया था। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई, और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी, और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी
गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वो कहता है जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्रनाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपने शहादत को, अपने बलिदान, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का सीधे सीधे गवाह रहा है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए मंगल पांडे की हुंकार से प्रारंभ होता है। बैरकपुर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करके उन्होंने कहा था हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे, और उस समय जिस प्रकार की हुंकार उन्होंने भरी थी उसके परिणाम स्वरूप देश का प्रथम स्वतंत्र समर 1857 में प्रारंभ होता है। गोरखपुर में भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिन क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके क्रांति की स्लो को आगे बढ़ाने का काम किया था, देश के स्वतंत्र समर को आगे बढ़ाने का काम किया था। गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना, चोरी चोरा के किसानों ने, मजदूरों ने, गांव के नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ एक नई हुंकार भरी थी। भारत के इतिहास में चोरी चोरा की घटना के रूप में विख्यात है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। एक लंबी प्रक्रिया है। आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हुंकार भर रही थी। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ के अंदर इस क्रांति की लोक आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग न लिया हो। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से हम सब हैं। जब आज हम काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस भव्य ड्रोन शो के साक्षी बनने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है।
उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने इन क्रांतिकारियों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गोरखपुर में, गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने बनाकर के मैं आज सुबह से देख रहा था, हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं गोरखपुर में जेल में जाकर के उस फांसी स्थल को देख रहे थे जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। ये गोरखपुर में ही हम लोगों ने महान क्रांतिकारी अस्पाउल्ला खां के नाम पर गोरखपुर प्राणी उद्यान का नाम गोरखपुर में अस्पा क्रांतिकारी अस्पाउल्ला खां के नाम पर रखा है। और गोरखपुर में ही हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए जहां पे बंधु सिंह के नाम पर गोरखपुर के किसी स्थल का नामकरण, गोरखपुर का जो हमारा ड्राइवर टेस्टिंग का जो हम लोगों का यहां पर केंद्र है, ऑटोमेटिक जो सेंटर है उसका नाम हमने अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर उसका नामकरण भी रखा है, किया है। यानी एक परंपरा उन बलिदानियों के प्रति। गोरखपुर के होमपैथ कॉलेज का नाम जो बहलगंज में है 1857 के एक अमर बलिदानी के नाम पर उसका भी नामकरण है। अनेक परंपराएं हैं और उस परंपरा के हम सब वर्तमान के वारिस हैं। हम सबका दायित्व बनता है हम अपने इन क्रांतिकारियों के उन भावनाओं को, जो सपना उन्होंने उस कालखंड में देखा था वह सपना था 15 अगस्त 1947 में साकार तो हुआ, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ हर भारतवासी को जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात की है उसके अनुरूप हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकती है कि जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन करता है उस ब्रिटेन में को पछाड़ करके भारत आज दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया की जीडीपी पर 85% अधिकार है, दुनिया के 75% व्यापार पर जिनका अधिकार है, दुनिया की 60% आबादी जहां पर निवास करती है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही पेटेंट के 90% कार्य जिन देशों में होते हैं, उस G20 के देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव का। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और दूसरा नहीं हो सकता। और इसलिए इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के इस अभियान का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस भव्य ड्रोन शो का हम हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर अपने इन सभी अमर बलिदानियों को जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ, उन ज्ञात अज्ञात उन सभी बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब उन अमर क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि और डबल इंजन सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करते हैं उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्पाउल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे इन सभी महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को इस भव्य ड्रोन शो को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में महान बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदान भूमि गोरखपुर में
आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजा रामचंद्र जी की धरती है, जिन्होंने धर्म, मर्यादा और प्यार की ऐसी अमित नदी खींची जिसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही संभव नहीं है। इसी धरती पर क्या किए थे भगवान बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र और विश्व को बढ़ाया था। सत्य और अहिंसा का पाठ इसी मिट्टी ने पैदा किए तुलसी, वेदास, मूलदास और बुरा साहब जैसे तत्व ज्ञान, और इसी धरती पर हिमाचल की ज्वाला देवी से भिक्षा तक करते हुए गुरु गोरखनाथ ने अपने कदम रखे और अपनी भूमि चलाई, तब इस धरती को मिली एक नई पहचान, एक नया नाम गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ द्वारा बताई गई योग साधना और ज्ञान ने भारतीय चिंतन परंपरा और संत आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। गुरु गोरखनाथ की उसी साधना स्थली पर खड़ा है जगत प्रसिद्ध विशाल गोरखनाथ मंदिर। ये मात्र मंदिर नहीं है बल्कि नाथ परंपरा, ज्ञान और साधना का सबसे बड़ा पीठ बन गया है। सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीर में बंधी भारत की इस धरती पर जब अंग्रेजी जुल्म और अन्याय हद से आगे बढ़ता गया, तब आजादी के बंटवारे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल खान, हरबख राय और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को सबक सिखा दी। 9 अगस्त 1925 को राजौरी स्टेशन से चली 8 डाउन ट्रेन को लखनऊ स्टेशन पहुंचने से पहले ही रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया और विदेश जा रहे भारतीयों के पैसे को अपने कब्जे में कर लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। हाथ आया खजाना हाथ से चले जाने से बौखलाई ब्रिटानी सरकार ने जगह जगह छानबीन और छापेमारी शुरू कर दी। देश के अलग अलग हिस्सों से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे। 21 लोगों पर मुकदमा चला और रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा सुना दी गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र लाहिड़ी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर से पकड़ा गया और उन पर कोई रोकने का आरोप लगाया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा, मौत को जीवन की दूसरी दिशा है और जीवन मौत की दूसरी दिशा है, फिर मौत से कैसा है। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवानी युवाओं की प्रेरणा थे। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर आजादी के दीवानी युवाओं की ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 19 सितंबर 1927 को गोरखपुर जेल में स्वाधीनता का सपना आंखों में सजाए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम की बलि वेदी पर दिए गए ये 4 बलिदान प्रेरणा बने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारी। ऐसे ही लाखों भारतीयों के त्याग और बलिदान की ताकत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश किया और भारत माँ के माथे पर आजादी का अपना तिरंगा लहरा उठा। ऐसे अनगिनत बलिदानों और त्याग से मिली हमारी ये आजादी अनमोल है, अमृत रूपी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का उभरना सिर्फ एक हिस्से बात नहीं है बल्कि अमर शहीदों की कल्पना और लाखों भारतीयों के राष्ट्रवादी जज्बे का प्रतीक है।
देश का एक चौड़ा उदाहरण केंद्रीय शिक्षा परियोजना जो आज पूरे विश्व के सामने भारत के गौरव उत्थान एवं उन्नति का प्रमाण बन चुकी है। अमृत महोत्सव इन अमर बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का महोत्सव है। उन्हीं बलिदानों की प्रेरणा ले आज भारत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नई आजादी का अनुभव कर रहा है और उत्तर प्रदेश की ये धरती गर्भयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में हर वक्त न्याय और विकास के मार्ग पर अग्रसर है। भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के मार्ग पर आगे बढ़ चला है। इसी का नतीजा है कि आने वाले वर्ष 2023 की G20 समिट की अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी गई है। भारत की धरती पर होने वाले इस G20 समिट का उद्देश्य वाक्य है एक धरती एक परिवार एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम की ये मूल भावना भारतीय जीवन दर्शन ज्ञान और बलिदान की भी मूल भावना की है। हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की अपनी इस भावना को वैश्विक मंच पर साझा और जिंदा करें। आपका बहुत बहुत आभार।